विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर से श्रावण मास के तीसरे सोमवार को भगवान महाकाल की तीसरी सवारी धूमधाम से निकाली गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाबा की पूजा अर्चना की। भक्तों को भगवान महाकाल एक साथ तीन रूपों में दर्शन देने निकले। अवंतिका नाथ चांदी की पालकी में चंद्रमौली स्वरूप हाथी पर मन महेश तथा गरुण रथ पर शिव तांडव रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। बाबा की सवारी में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। महाकाल मंदिर से शाम 4 बजे शाही ठाट बाट के साथ भगवान महाकाल की शाही सवारी शुरू हुई। कोट मोहल्ला गुदरी चौराहा बख्शी बाजार कहारबाड़ी होते हुए भगवान महाकाल की पालकी मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पहुंची। यहां पुजारी ने शिप्रा जल से भगवान महाकाल का अभिषेक कर पूजा अर्चना की। पूजन के पश्चात सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः महाकाल मंदिर पहुंची। और इस नाग पंचमी के पर्व पर बाबा महाकाल के द्वितीय तल पर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजित हैं, जिनका मंदिर साल में केवल एक ही बार खुलता है और पूरे विश्व में एक ऐसा ही यही मंदिर है जहां पर केवल साल में केवल एक बार यहां पर नाग चंद्रेश्वर के पट खुले जाते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो ऊपरी तल पर नाग चंद्रेश्वर भगवान के आज रात्रि 12 बजे से पट खुलना है, जो लगातार 24 घंटे तक होते रहेंगे। और इसके लिए प्रशासन ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। श्रावण के तीसरे सोमवार को लेकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी बाबा की पालकी को कंधा देने यहाँ पर आए। नाग पंचमी के अवसर पर लगभग 4 से 5 हज़ार लोग जो यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। उज्जैन से न्यूज़ ऑब्जर्वर के लिए गोपाल नंदेड़ा।